दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर केंद्र का अध्यादेश जारी। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का करेगी गठन, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के काम पर रखेगा नजर। गठित समिति में होंगे 3 सदस्य, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे हिस्सा इसमें, लेकिन समिति बहुमत से करेगी फैसला। खुद से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल, अंतिम फैसला लेने की पावर उपराज्यपाल के पास ही रहेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान, कहा केंद्र सरकार का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बोले पीएम मोदी तानाशाह हैं, उन्होंने फिर साबित किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसे संविधान पीठ के स्पष्ट फैसले का उल्लंघन बताया, उन्होंने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा देश के संविधान और दिल्ली के साथ केंद्र ने किया छल। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का समर्थन किया, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का सरकार के माध्यम से सुरक्षित होना जरूरी था। स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। इस बीच आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस लिए जाएंगे 2,000 रुपए के नोट। फिलहाल वैध रहेंगे बाजार में मौजूद 2,000 रुपए के नोट, नए नोट भी नहीं छपेंगे अब से। 23 मई से 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2,000 रुपए के नोट। नोट वापसी के लिए 4 महीने से ज्यादा की मोहलत दी गई है। एक बार में वापस होंगे 2,000 के 10 नोट, हर दिन 20,000 तक की वापसी। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लाए गए थे 2,000 रुपए के नोट, 500 के पुराने और 1,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह का बयान, कर्नाटक में हार की बौखलाहट में नोटबंदी पार्ट 2 लाई मोदी सरकार। जबकि सपा के प्रवक्ता अमित जमई ने आरबीआई के फैसले के बाद ट्वीट किया, कहा नोटबंदी की क्रूरता में हजारों जाने गए। 2000 की नोटबंदी पर अलका लांबा सरकार पर कसा तंज, कहा कि जांच हुई तो नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी 2,000 रुपए के नोट पर सरकार को घेरा, बोले केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 2,000 रुपए के नोट के चलन को रोकने के पीछे मंशा क्या है। सुशील मोदी ने नोटबंदी पर सरकार का बचाव किया, बोले ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है, काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। आज होगा कर्नाटक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, राहुल और प्रियंका को सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने दिया समारोह में शामिल होने का न्योता। दोपहर 12:30 बजे सिद्धरमैया लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, सिद्धरमैया के साथ 25 से 26 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। कर्नाटक शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्षी एकता का दम, नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार, उद्धव समेत कई नेता शामिल होंगे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया गया है, अखिलेश यादव भी नहीं होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केसीआर का कांग्रेस पर तंज, कहा कर्नाटक में जीत से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आर्यन खान ड्रग्स केस में तत्कालीन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया खुलासा, शाहरुख खान से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत का दावा किया। आर्यन खान को जेल में नहीं रखने की शाहरुख खान ने वानखेड़े से गुजारिश की थी, शाहरुख ने कहा आर्यन पर प्लीज थोड़ा नरमी बरतें, प्लीज उसे जेल में मत रखिए। समीर वानखेड़े के मुताबिक शाहरुख लगातार उनसे बेटे को छोड़ने की करते रहे रिक्वेस्ट, शाहरुख ने माना था कि बेटा भटक गया है पर उसे पॉलिटिक्स में ना फंसाएं। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का समीर वानखेड़े पर आरोप, आय से अधिक संपत्ति की भी चल रही है जांच। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी, लेकिन सीबीआई आज समीर वानखेड़े से करेगी पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की है, दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत जापान के बीच मित्रता बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता की। G7 समिट में आमंत्रण के लिए पीएम मोदी ने जापान का आभार प्रकट किया, कहा भारत और जापान के संबंध आगे और भी मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को नमन करने के बाद बोले प्रधानमंत्री, हिरोशिमा का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी, बुद्ध और बापू के विचारों से शांति आएगी। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में होंगे शामिल, क्वाड देशों के नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। जयपुर में सूचना प्रसारण और तकनीकी मंत्रालय के दफ्तर से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद, 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद, मामले में 6 लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी।
श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारी तेज। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंडनबर्ग केस में अडानी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा, पहली नजर में नियम कानून का उल्लंघन साबित नहीं हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा शेयर कीमतों में हेराफेरी की वजह रेगुलेटरी की नाकामी थी। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता इस बीच जयराम रमेश ने बताया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली योजना है। अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर लगाई रोक, दूसरे विकल्पों पर विचार के निर्देश। हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने राज्य सरकार और प्रशासन पर लगाए कई आरोप, कहा कि सरकार बिल्कुल भी जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही। इस बीच सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले समाजवाद का कमजोर होना देश के लिए बदकिस्मती है और हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना आनंद मोहन का। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए बयान पर किया पलटवार, का धर्मांतरण की बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की है। महिला रेसलर सोनिका कालीरमन का पहलवानों पर विवादित बयान, कहा रेसलर का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही नहीं सकता, मर्जी रही होगी। असम के बोंगाईगांव जिले में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में हो रहा है महिलाओं का उत्पीड़न। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में कहा अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा 2024 में भी विपक्ष रहेगा जीरो। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना, कहा सीएम जनसंवाद नहीं बल्कि पब्लिक को बेइज्जत कर रहे हैं। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बिजली बिल में फ्यूज चार्ज के नाम पर वसूली करने वाली योजना के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली कटौती के खिलाफ भी विरोध प्रकट। भरतपुर में हड़ताल कर रही नर्सेस ने सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सों की हड़ताल है। फतेहपुर शेखावटी में बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पुणे में छात्र संगठन की भूख हड़ताल के पांचवें दिन 3 छात्रों में से 1 छात्र की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। बिहार छपरा में हटाया गया सालों से रेलवे की जमीन पर बना अतिक्रमण, रेलवे ने बुलडोजर की मदद से 40 दुकानों को ध्वस्त किया है। मेरठ में एक शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करके पुलिस को धमकी दी, नियमों का पालन नहीं करने पर पकड़ा गया था यह शख्स। जबकि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर 2 वकीलों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है, महिला वकील ने दूसरे वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गुजरात में बागेश्वर बाबा के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म में आस्था नहीं रखने वाली पार्टी करार दिया। खरगोन में हिंदू संगठन लड़कियों को दे रहे आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, 200 से अधिक लड़कियां ले रही हैं ट्रेनिंग। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास से हटा अवैध अतिक्रमण, लोगों को सुविधा देने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने उठाया कदम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाडूसराय में शुरू किया ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, रोज 150 लोग दे सकेंगे टेस्ट। रांची से रोजगार के मामले पर अच्छी खबर, सीएम सोरेन ने 3,469 सेकेंडरी टीचर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। रांची में मौसम विभाग का अनुमान, भीषण गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी फिलहाल राहत, गर्मी का किया अलर्ट जारी। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ कार हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई, हड़कंप मच गया। हिंगोली में दुकान में भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। राजस्थान के जालौर में घर में सो रहे हत्या के आरोपी पर जानलेवा हमला, गर्दन पर गोली मारी, इलाज के दरमियान मौत हो गई। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक युवक को किया है गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल उत्तरी 24 परगना में पुलिस ने गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी। पुणे में अवैध रूप से ड्रग्स के इंजेक्शन सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में पुलिस की जीप पर बैठे युवक का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी की तलाश तेज। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने पत्नी की प्रेमी पर खुदाल से किया प्रहार, प्रेमी गंभीर तौर पर जख्मी। जबकि झारखंड के चतरा में वट सावित्री पूजा स्थल पर आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ओडिशा के बिरामपुर में ORSTC बस पर फायरिंग, मामले की जांच। अलीगढ़ में युवक को उसके दोस्तों ने गोली मार दी, गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। बांदा में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी जोड़े ने खा लिया जहर, प्रेमिका की मौत हो गई। नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी गार्ड की बदमाशों ने पिटाई की, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज।